बलिया में हरियाणवी डांसर सपना चौधरी का बयान सामने आया। सीएम योगी के कार्यकाल में यूपी में बड़ा बदलाव हुआ है। पहले यूपी में शो करने में डर लगता था, पहले यूपी में विवाद खड़ा हो जाता था। सपना चौधरी ने ये कहा है और कहा कि अब यूपी में दंगे फसाद विवाद नहीं है। मैं भोजपुरी नहीं जानती, लेकिन भोजपुरी मेरी माँ की तरह ही है। अब यूपी में सुरक्षित महसूस करती हूँ। ददरी मेला में शिरकत करने पहुंची थी सपना चौधरी और इसी दौरान उन्होंने ये बात कही। जी जो हरियाणा से आप यूपी में हाँ जी जो योगी का शासनकाल है हाँ जी सर योगी कैसे लगते हैं आपको? योगी बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं ऐसा तो बोल नहीं सकती, ऐसा कौन बेवकूफ है जो बोलेगा योगी अच्छे नहीं। शासनकाल उनका कैसा? बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं पहले जब यूपी में मैंने शो किए हैं तो मैंने काफ़ी विवाद देखे हैं यूपी में, शो पर भी बहुत विवाद देखे हैं एटलीस्ट। लेकिन अब मैं जब यूपी में एंटर करती हूँ तो मुझे बड़ा सेफ फील होता है, तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा यूपी में आती हैं आप जी। तो सपना चौधरी जो कि हरियाणवी डांसर हैं और इससे पहले कई विवाद हुए जिसको लेकर FIR भी दर्ज की गई थी। यूपी की ही कई घटनाएं ऐसी जिसका पहले भी सपना चौधरी जिक्र कर चुकी हैं और अब वो कह रही हैं कि अब योगी सरकार में वो खुद को काफ़ी सुरक्षित महसूस करती हैं। अब शो करने के लिए जहां भी जाती हैं वहां पर सुरक्षित महसूस करती हैं, अब डर नहीं लगता है, क्योंकि पहले छेड़छाड़ की घटनाएं भी सपना चौधरी के साथ में हो चुकी हैं। और अब जिस तरह का उनका बयान सामने आया, वो कह रही हैं कि वो अब यूपी में बहुत सुरक्षित महसूस करती है। जब यूपी में शो करने जाती हैं तो अब उनको डर नहीं लगता है। एक बार फिर से हम सुनाते हैं क्या कुछ कहा सपना चौधरी ने। जी यूपी जो हरियाणा से आप यूपी में हाँ जी जो योगी का शासनकाल है हाँ जी सर हाँ योगी जी। कैसे लगते हैं आपको? योगी बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं ऐसा तो बोल नहीं सकती, ऐसा कौन बेवकूफ है जो बोलेगा योगी अच्छे नहीं। शासनकाल उनका कैसा? बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं पहले जब यूपी में मैंने शो किए हैं तो मैंने काफ़ी विवाद देखे हैं यूपी में, शो पर भी बहुत विवाद देखे हैं एटलीस्ट। लेकिन अब मैं जब यूपी में एंटर करती हूँ तो मुझे बड़ा सेफ फील होता है, तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा शासन। खबर अलीगढ़ से है जहां पर दरोगा की सरकारी पिस्टल से महिला को गोली लगने के मामले में घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद में मुंशियानी में तैनात आरोपी को न्यायिक हिरासत में लिया गया। आपको बता दें कि 20,000 का इनामी आरोपी दरोगा फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। ऊपरकोट नगर कोतवाली के मुंशियानी में 8 दिसंबर की दोपहर की यह घटना है। दिनांक 8 दिसंबर को थाना कोतवाली जनपद अलीगढ़ में एक SI मनोज कुमार शर्मा की पिस्टल से चली गोली से एक महिला जख्मी हो गई थी, जिसमें आज एक दुखद समाचार प्राप्त हुआ है कि उपरोक्त महिला की 5 दिवस इलाज के बाद मृत्यु हो गई है। इस दुखद सूचना पर समस्त पुलिस परिवार इस परिवार के साथ खड़ा है और संवेदना प्रकट करता है। वहीं दूसरी ओर जो लापरवाह दरोगा था उसके विरुद्ध परिवार के द्वारा अंतर्गत IPC 307 मुकदमा दर्ज कराया गया था और माननीय न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट NBW जारी किए गए हैं। उसके फरारी के दृष्टिगत उस पर 20,000 रुपये का इनाम भी रखा गया है और साथ में जो मुंशी था उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। संसद सुरक्षा में चूक मामले में एक्शन लिया गया है। आरोपियों पर UAPA के तहत में केस दर्ज किया गया। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। कल हमने देखा कि किस तरह से संसद की सुरक्षा में चूक हुई और अब एक बड़ा एक्शन लेते हुए UAPA के तहत में मामला दर्ज किया गया है। तो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कल उस दौरान की, जब संसद में हड़कंप मच गया और उसके बाद में सामने आया कि सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई है। हालांकि यह आरोपी कैसे अंदर पहुंचे थे इसको लेकर भी लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए इस पूरे मामले को गंभीर धाराओं में दर्ज करते हुए UAPA के तहत में दर्ज किया है और साथ ही आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने आदेश भी दे दिया है जांच का और गृह मंत्रालय ने DG CRPF अनीश दयाल की अगुवाई में जांच की कमेटी भी गठित की है, जिसमें दूसरे विशेषज्ञ भी शामिल हैं। ये कमेटी सुरक्षा में सेंध की जांच करने के साथ ही सुरक्षा मजबूत करने पर भी रिपोर्ट देगी।
संसद की सुरक्षा में चूक मामले में एक आरोपी लखनऊ का रहने वाला है। सागर शर्मा नाम का ये शख्स आलमबाग में रहता है, जो कि लखनऊ में ई रिक्शा चलाता है। दो दिन पहले ही सागर दिल्ली आया था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये दो तस्वीरें आप देखिए। पहला हम आपको दिखा रहे हैं सागर का आधार कार्ड, कहां का रहने वाला है ये पूरी जानकारी इस आधार कार्ड पे, और साथ ही हम आपको दूसरी तस्वीर में सागर का घर दिखा रहे हैं। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज 18। आप देख रहे हैं न्यूज 18।